तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लेट ए इज इक्वल टू 2 4 3 4 3 2। ये हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, एक सी मैट्रिक्स दे रखी है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। आगे कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी ए माइनस बी 3a माइनस बी ए बी बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमसे ऑपरेशन करवा रहा है ए मैट्रिक्स पर। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है? ए प्लस बी। तो यानी हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ऐड हम लोग कैसे करते हैं? ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी? 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स क्या है? 1 3 माइनस 2 5। इनको ऐड कैसे करते हैं? जैसे ये वाला ए 1 1 है तो ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, तो 2 प्लस 1 3। ये 4 है, ये 3 है, 4 प्लस 3 7। ये 3 है, ये -2 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1। ये 2 है, ये 5 है, 5 प्लस 2 7। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी। अब हम फाइंड करेंगे a माइनस बी, यानी सेकेंड वाला a माइनस बी 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5। अब यहां पे ये जो माइनस है ना, ये पूरी मैट्रिक्स में चला जाएगा, यानी इस तरह से आ जाएगा ये 2 4 3 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 5। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 2 माइनस 5, ये माइनस का बड़ा नंबर है, तो -5 में से 2 जाएगा -3। तो ये आ गया a माइनस बी। अब थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? 3a माइनस सी। थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं, 3a माइनस सी। यहां पे 3 लिखेंगे और a मैट्रिक्स क्या दे रखी है? 2 4 3 2 माइनस सी, यानी -2 5 3 5। इस तरह से दे रखिए। ये जो है 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और यहाँ पे माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये +2 -5 -3 -5। ऐड कर देते हैं, 6 प्लस 2 8, 12 में से 5 किया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1। तो ये आ गया 3a माइनस सी। अब नेक्स्ट दे रखा है फोर्थ वाला, तो यहां पे क्या निकालना है? ए बी, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्स का। तो यहां पे ए लिख लेते हैं 2 4 3 2, बी जो है वो क्या हो जाएगा? 1 3 -2 5। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको इसके साथ, 2 1 जा 2 4 2 जा 8, माइनस का 8 है तो ये माइनस आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, इसका इसके साथ, 4 5 जा 20, बीच में प्लस। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 इसका इसके साथ -4, इसका इसके साथ 9, फिर इसका इसके साथ 10। इस तरह की मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 में से 2 गया 6 माइनस का, 20 में 6 ऐड करेंगे 26, 4 में से 3 गया -1, 10 प्लस 9 19। ये आ गया ए बी। अब हमें निकालना है बी ए, तो बी ए में पहले बी लिखेंगे, यानी यहां पे बी A इज इक्वल टू बी 1 3 -2 5, फिर A 2 4 3 2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, इसको इसके साथ प्लस 9,
इसको इसके साथ फोर, इसको इसके साथ प्लस सिक्स, इसको इसके साथ माइनस फोर, इसको इसके साथ 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट, इसको इसके साथ प्लस का 10, ये हो जाएगा 9 + 2 यानी 11, 4 + 6 = 10, ये माइनस फोर 15, यहाँ पे 11 बचेगा और यहाँ पे ये 10 है, ये माइनस का 8, ये 2 बचेगा। तो यहाँ पे ये आ गया बी ए। तो यहाँ पे ए बी और बी ए, अब देखो ए बी जो हमारा आया है वो इस तरह का आया है और बी ए जो हमारा आया है वो इस तरह का आया है। तो यहाँ पे हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे ए बी और बी ए जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स में इन जनरल ए बी जो है वो इक्वल नहीं होता है बी ए के। हालांकि ये पूछा नहीं था लेकिन हमने बता दिया, याद रखेंगे, ठीक है, आगे जरूरत पड़ सकती है। तो यही हमारे आंसर हो गए।